हेलो एवरी वन वेलकम बैक टू माई चैनल माई नेम इज शिवानी झा सो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट वाटर लॉगिंग वट इज़ वाटर लॉगिंग कॉजेस क्या हैं उसके इफेक्ट्स क्या होंगे एंड क्या उसकी प्रिवेंशन होगी वाटर लॉगिंग की सो फर्स्टली वाटर लॉगिंग क्या होता है तो आपने देखा होगा जैसे बरसात वगैरह के मौसम में ज़्यादा देखने को मिलता है कि आप देखते होंगे कि पानी कहीं पर इकट्ठा हो जाना है ना इकट्ठा होना वो इकट्ठा क्यों होता है पानी जैसे थोड़ी बहुत बारिश होती है सपोज तो थोड़ा बहुत अगर पानी नीचे गिरता है तो सॉइल क्या करता है उसको एब्जॉर्व कर लेता है सारा पानी ग्राउंड पर गिरता है तो वो सारा पानी एब्जॉर्व कर लेता है बट वो धीरे धीरे एब्जॉर्व जब होता रहता है होता रहता है तो कुछ टाइम बाद सॉइल जो है वो फुल्ली सेचूरेट हो जाता है पानी उसके अंदर सॉइल के अंदर फुल्ली सैचरेटेड सॉइल हो जाती है हमारी इसका मतलब कि अब हमारा और पानी सॉइल जो है वो एब्जॉर्व नहीं करेगा तो क्या होगा फिर अगर और बारिश हुई अगर हमारी सॉइल फुल्ली सेचूरेटेड है और ज़्यादा बारिश हो रही है तो मीन्स वो वाटर तो अंदर अब जाएगा नहीं पेनीट्रेट तो होगा नहीं नीचे तो क्या होगा आ, वो जो है पानी वो इकट्ठा होने लग जाएगा सॉइल के ऊपर उसको हम कह सकते हैं कि ये वाटर लॉगिंग ठीक है तो वाटर लॉगिंग की वजह से अगर हमें बोलना है कि ये आ, वाटर लॉगिंग की वजह से जैसे हमारी प्रोडक्टिविटी हो गई फर्टिलिटी हो गई ये सारी चीजें बहुत इफेक्टिव होती हैं क्योंकि इसमें वाटर टेबल जो है हमारा बहुत हाई हो जाता है नौ इसके कॉजेज क्या हैं किन किन वजह से वाटर लॉगिंग हो सकती है किन किन वजह से पानी जो है ये इकट्ठा हो रहा है या वाटर लॉगिंग हो रही है तो क्या होता है सीपेज ऑफ वाटर फ्रॉम कैनाल सिस्टम तो जैसा कि हम सबको पता है दो टाइप के कैनाल होते हैं लाइंड कैनाल एंड अनलाइंड कैनाल इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है लाइंड एंड अनलाइड कैनाल के ऊपर आप प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक चेक करिएगा तो सीपेज ऑफ वाटर फ्रॉम कैनाल सिस्टम मीन्स अनलाइंट कैनाल में ये देखने को मिलता है लाइंड कैनाल में तो क्या होता है जो बेड है वो जो होता है हमारा आर सी सी का बना हुआ होता है या मतलब ऐसा होता है कि मतलब उसमें से हमारा सीपेज नहीं हो सकता है ना बट अनलाइन कैनाल जो होता है इसको हम मतलब मिट्टी का ही बना होता है तो इसके अंदर क्या होता है नीचे जो है वाटर सीपेज होता है सेकेंड हैवी रेनफॉल अगर हो जैसा कि अभी हमने देखा कि वाटर लॉगिंग का जो मैंने एग्जाम्पल दिया था कि अगर बारिश स्टार्टिंग में कम हुई तो जो हमारा सॉइल है वो एब्जॉर्व कर लेता है सारा वाटर बट एक टाइम ऐसा आएगा वो धीरे धीरे एब्जॉर्व करते हुए कि वो फुल्ली सैचरेटेड हो जाएगा तो वाटर जो है वो ऊपर ही इकट्ठा होने लग जाएगा तो हैवी रेनफॉल में ये हमें देखने को मिलता है ओवर इरीगेशन मीन्स अगर हम किसी भी जैसे हमारा कोई खेत है हम उसको इरीगेट कर रहे हैं ठीक है तो किसी लिमिट में हम इरीगेट करेंगे अगर हम लिमिट में इरीगेट नहीं करेंगे तो वो वही सीन उसमें भी हो जाएगा कि पानी आया जितना रिसना होगा वो रिस जाएगा जितना सीपेज के थ्रू अंदर जाना होगा हो जाएगा जब सॉइल सेच्यट हो जाएगी कुछ टाइम बाद तो पानी ऊपर इकट्ठा हो जाएगा तो ओवर इरीगेशन से ये देखने को मिलता है जब फ्लड्स आते हैं तब हमें देखने को मिलते हैं इरेगुलर टोपोग्राफी में देखने को मिलता है सपोज ऐसा कुछ टाइप का टोपोग्राफी है हमारा ठीक है तो पानी अगर बारिश हुई तो यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा पानी इधर इकट्ठा हो जाएगा पानी है ना तो ये हमें देखने को मिलता है इनएडीकुएट ड्रेनेज तो इनएडिक्वेट ड्रेनेज में क्या होता है जहाँ पे प्रॉपर ड्रेनेज ना हो प्रॉपर ड्रेनेज प्रोवाइड ना की गई हो कि बारिश का पानी यहाँ से आएगा और यहाँ से निकल जाएगा मतलब ऐसा कुछ ड्रेनिंग ड्रेनिंग सिस्टम का ऐसा कुछ हो ना वहाँ पर तो वो चीज़ हो गई ऑब्स्ट्रक्शन इन नेचुरल ड्रेनेज अगर सपोज कोई ड्रेनेज ऑलरेडी बना हुआ है कि यहाँ से पानी आगे जा सकता है लेकिन वहाँ पे कोई पत्थर लगा है या मिट्टी से ही वो पूरा फुल है या आ, जैसे आजकल कूड़ा वगैरह से ऐसे फिल रहता है वो पूरा तो तो क्या होता है वो ऑब्स्ट्रक्शन होता है नेचुरल ड्रेनेज के अंदर पानी वहाँ से जा ही नहीं पाता तो वहाँ पे वाटर लॉगिंग हो जाती है तो ये सारे कॉजेज थे वाटर लॉगिंग के ना इन वाटर लॉगिंग से क्या इफेक्ट पड़ता है और किन पे इफेक्ट पड़ता है सो so, ये वाटर लॉगिंग अगर होता है तो हमारा प्लांट ग्रोथ जो है वो कम हो जाता है रिडक्शन इन प्लांट ग्रोथ सेकेंड ये जो है ये लेस एयर सर्कुलेशन इन ग्राउंड जब हमारा पानी से सेचूरेट हो चुका है पूरा सॉइल हमारा फुल्ली सेचूरेटेड है तो उसमें एयर जाने का कोई मतलब ही नहीं बनता कहाँ से जाएगा या जब उसमें स्पेस ही नहीं है कुछ सो? तो उसके अंदर एयर सर्कुलेशन कम हो जाती है एंड उसी एयर सर्कुलेशन के कम होने की वजह से हमारा प्लांट ग्रोथ जो है वो कम हो जाता है रिडक्शन इन प्लांट ग्रोथ सेलिडिटी इनमें इंक्रीज हो जाती है जितना पानी इकट्ठा होगा उतना सेलिडिटी इंक्रीज़ होता रहेगा इनके अंदर कल्टिवेशन में डिफ़िकल्टी होती है एंड ग्रोथ ऑफ ग्रास एक्सेट्रा ये सब जो है वीड्स वगैरह जो होते हैं ये इफेक्ट होते हैं एंड इंटरफेयर करते हैं ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स के बीच में अब हमने कोई क्रॉप लगा रखा है और वहाँ पे वाटर लॉगिंग हुई तो वहाँ पे और ग्रास उग गए तो ये क्या होता है आपस में इंटरफेयरिंग हो जाती है इन, इन दोनों की तो ये हमारे कुछ इफेक्ट्स हैं जो वाटर लॉगिंग की वजह से होते हैं नौ मेजर्स क्या हैं ऐसे कि हम प्रिवेंट कर सकें इन वाटर लॉगिंग को है ना प्रिवेंशन हम कैसे कर सकते हैं इन वाटर लॉगिंग की तो जैसा हमने अभी एक फर्स्ट पॉइंट पहले पढ़ा था कि ओवर इरिगेशन तो ओवर इरिगेशन हम ना करें इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन को हम रिड्यूस कर दें जैसे आ, हम स्प्रिंकलर मेथड यूज़ कर लें या ड्रिप इरिगेशन मेथड यूज़ कर लें हम मतलब ऐसा ना करें कि बस खेत में पानी बिल्कुल भर ही दिया एक बार में ऐसा ना करें ड्रिप इरिगेशन या स्प्रिंकलर मेथड को हम यूज़ करें तो इससे हमारा ये हमारा क्या होगा हम रिड्यूस कर दें मतलब इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन को तो हमारा ओवर इरिगेशन जो होता है वो नहीं हो पाएगा ठीक है हम अल्कलाइन वाटर यूज ना करें इरीगेशन के लिए अगर हम अल्कलाइन वाटर यूज़ करेंगे इरीगेशन के लिए तो वहाँ पर फिर हमारी ग्रोथ जो है प्लांट की वो कम हो जाएगी नाउ लाइनिंग ऑफ कैनाल अभी जैसे हमने जो हमारे कॉजेज़ थे हम उसी से प्रिवेंशन निकाल रहे हैं है ना कि ये सारे हमारे कॉजेज़ हैं अभी जैसे होता है ना कि हाँ ये सारे हमारे कॉजेज हैं अब इन्हीं के ऊपर हमें क्या क्या ऐसा करें कि हम इसका प्रिवेंशन करें है ना ये कैसे प्रिवेंट कर सकें इन सारे कॉजेज़ को तो लाइनिंग ऑफ कैनाल जैसे अभी हमने देखा था कि सीपेज ऑफ वाटर होता है फ्रॉम कैनाल सिस्टम अनलाइनड कैनाल में तो हम लाइनिंग ऑफ कैनाल करें है ना हर कैनाल में हम लाइनिंग करें मीन्स आर सी का कुछ या पी का कुछ ऐसा बेड बेड और साइड्स वगैरह बनाएं नाउ रिमूविंग ऑब्स्ट्रक्शन फ्रॉम नेचुरल ड्रेनेज ये भी हमारा कॉज था कि ऑबस्ट्रक्शन uh, होता है नेचुरल ड्रेनेज में उसकी वजह से वाटर लॉगिंग होती है तो हम रिमूव कर दें ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल ड्रेनेज को फ्रॉम नेचुरल ड्रेनेज को जैसे अगर हमारा कहीं पे कोई पत्थर वत्थर फंसा हुआ है या मान लो कोई कूड़ा वूड़ा फंसा हुआ है या कोई वहाँ पे सॉइल है जमी हुई तो हम उन सबको मतलब प्रॉपर टाइम से जैसे हमारे बरसात के मौसम में ये सब कुछ ज़्यादा देखने को मिलता है तो रेनी सीजन में हम क्या करें एक बार इन सब की सफाई कर दें ताकि जो हमारा ड्रेनेज है नेचुरल ड्रेनेज सिस्टम है वो अच्छे से वर्क कर सके तो ये तो था हमारा वाटर लॉगिंग क्या होता है इसके ये किस क्या क्या कॉज होते हैं एंड ये क्या क्या इफेक्ट करते हैं एंड हम इसको प्रिवेंट कैसे कैसे कर सकते हैं एंड हाइड्रोलॉजी का फुल uh, सिलेबस जो है वो एक फुल uh, सिलेबस जो है वो डिस्कस कर रखा है वन आवर सेवनटीन मिनट में वो भी चैनल पे अपलोडेड है आप उसको देख लीजिएगा क्विक रिवीजन के लिए आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा अगर आपको एक बार बस ऊपर से नोट्स देख रहे हैं कि हाँ मेरे को क्या आ रहा है इसमें से क्या नहीं आ रहा है ये सब अगर आपको जानना है और एक बार क्विक रिवीजन करनी है आपको आपने सब पढ़ लिया आपको एक बार बस ऐसे गो थ्रू करना है तो आप प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखेगा ऑलरेडी अपलोडेड है एंड सेम कंप्लीट सिलेबस ऑफ सर्वेइंग का भी आने वाला है जल्दी इसका नेक्स्ट वीडियो में भी वही अपलोड होगा उसको उस पर मैं अभी काम कर रही हूँ सो स्टे कनेक्टेड एंड प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ भी शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स कलीग्स वगैरह के साथ या आपके जान पहचान में जो भी सिविल इंजीनियरिंग के बैकग्राउंड से हो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल